तो गाइस अभी मम्मी रोने लगी, सब लोग परेशान हो चुके हैं। दोस्तों ये लीजिए यहाँ पर गरम गरम पकौड़ा, आप लोग आकर खा लीजिए मेरे घर पकौड़ा। दोस्तों राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते करूँ, इधर मेरी मम्मी जी है जिनका भी नमस्ते करूँ। मंदिर को लीप रेन लीप कर तब पूजा करती है। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहा बेटी, खूब तुहार सुहागा लम्मा होखे, खूब तार लम्मा उम्र होखा। जय श्री कृष्ण बच्चे, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं हमारी प्यारी प्यारी बिटिया बहू, जितनी देखती हैं खूब कुशल मंगल सर हैं हमारी प्यारी प्यारी बिटिया बहू के बच्चों के लिए, पूरा दर्शक के लिए दिन दुगुना रात चौगुना होकर खूब सुकून से रहा, खूब फूल के लेखा फुलाइल रहा, फुरैन के लेखा लहर। मम्मी जी इतना आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबको आशीर्वाद देती हैं, मम्मी जी का आशीर्वाद लेना सुबह सुबह, बूढ़ पुरानिया का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी अपने मम्मी जी का सुबह सुबह उठकर आशीर्वाद लेते रहिएगा, बहुत अच्छा होता है। अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है दोस्तों, देखिए कितना ज्यादा शीत गिर रहा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तेरी झुरा गया है अभी, देखिए इंफर नहीं रहा। बकरी लोग आती हैं तो चर लेती हैं, जो पौधा होता है उसका नीचे का पौधा काट दिए, सब तो झुरा गया, करेली अब नहीं फर रहा है। अरे ये तो गिर गए चाची, चाचा कहते कहते। इधर देखिए हमारे हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग, और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहावा का आ रहे हैं, घोट पे गए थे नहावा के, जस्ट आ रहा हूँ। भाई बहुत ठंड लग रहा है, शीत आज बहुत ज्यादा गिर रहा नहीं, बहुत ज्यादा से 3 दिन से। चाय चलिए दीजिए, फटाफट चाय पीते हैं। और गाइस आप लोग हमारे प्यारे से ब्लॉग में बने रहिएगा। क्या बेटी, चलो चलो छोड़ दो, चाचा कहते कहते गिर गए हैं। क्या करेंगे गिरा, चाचा चाचा कहते कहते गिर जा, बेटा गिर गई है। बेटा पीन दो तो दे दो, चाची लगाएंगी यहाँ पर। और दोस्तों मम्मी जी यहाँ पे, मम्मी जी का भी नमस्ते करते हैं। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहा बाबू, खूब सुखी रहा, खूब तार लम्मा उम्र रखा। और भाई साहब ये देखिए हमारे घर में, मतलब ये क्या है अंगिरा जी, कुकर रखने का नया जुगाड़, मतलब बहुत दिन से जुगाड़ है। हम लोग किचन बनाने वाले थे लेकिन अभी बनाए नहीं है। नहीं। तो गाइस जिन लोगों का नेचर श्योर जोंक तेल के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये एक प्राकृतिक असरदार थेरेपी है आपके बालों जुड़ी सभी समस्याओं के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि आजकल गंजेपन की समस्या बहुत आम बात हो चुकी है, हर कोई दूसरा वेद किसी न किसी बालों को समस्याओं को फेस कर रहा है। जैसे गंजेपन, बालों में इंफेक्शन, पतले बाल, डैंड्रफ, पहले के समय में ऐसी समस्याओं को लोग लिस्ट थेरेपी के माध्यम से ठीक करते थे। तो गाइस जिन लोगों को लिस्ट थेरेपी के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लिस्ट थेरेपी की फायदे क्या है। लिस्ट थेरेपी को आयुर्वेदा में बहुत यूजफुल बताया गया, ये आपको ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इसका प्रोसेस काफी सिंपल होता है। आजकल लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है और हर एक लोगों को चाहिए कि कम समय में एक अच्छा उपाय, और वो प्रोडक्ट तो मेरे पास है, इसका बेस्ट सोल्यूशन नेचर श्योर जोंक तेल, जो कि लिस्ट थेरेपी के आधार पर तैयार किया गया है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऐसे नए बाल आना स्टार्ट हो जाता है, और आपके बालों को हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। आप भी बालों को किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इसे ट्राई जरूर करें। दोस्तों यहाँ भाभी जी भी सोकर उठ चुकी हैं, बहुत लेट से आज उठी है ना गिरा जी, 8 बजे उठी हैं सोकर। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे, 8 बजे उठ रही हैं। भाभी जी भी प्रणाम बोल दी। और अंगिरा जी इधर खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। आज सब पालक के साग बना है, चावल वाला सब्जी बनाएंगे, आज सब पालक की पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ा बनाएंगी। हाँ चाय दीजिए, और बन चुका है इधर गरम गरम चाय, तो चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। क्या बेटा, पूजा वाला थाली जो धोए जाती है, हाँ धो लीजिए। भाभी जी नाराज हो गई है, कुछ कहने वाले कुछ कह रही है कि पता नहीं क्या कर रही है, क्या हुआ है? मम्मी जो अपने मायके गई है तो ही बता रही है कि हमारी मम्मी गई है मायके, पैसा नहीं है। मारने के लिए बोल रही है अपनी मम्मी को। तो चूल के पास बैठकर हम खाना बना रहे थे और चावल को गील कर दिया है, पानी इतना ज्यादा इसमें डाल दिया है, अंगिरा जी चली गई थी उधर, पानी इसमें भर के डाल दिए हैं। इनको चावल बनाने नहीं आता है, इतना आसान तरीका है चावल बनाना। तो अभी पानी निकाल दीजिए, मार मार बात, मार बात खा लीजिएगा, सब लोग खाएंगे ना, अच्छा लगता है मार बात साग। हाँ दोस्तों इतना ज्यादा पानी कर दिए थे तो अभी अंगिरा निकाल रही है। अंगूरी से नाप कर रखते ना तो हो जाएगा, हो गया ऐसे। कितना नापा जाता है? मतलब जितना ही 4 गो रहता है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन कच्चा ही खा लिया जाएगा, गीला कच्चा। हाँ गीला हो जाए ठीक, लेकिन कच्चा ना हो। कच्चा तो नहीं होगा क्योंकि पानी ज्यादा है ना, कच्चा
तो मैं साग काटनी और इसको धो कर रख दे रही हूँ और मर्चर से पीसना है इसका। पालक का मैं साग पकौड़ी बनाएंगे, जिसको जिसको खाना है पालक के पकौड़ी मेरे घर आ जाइए खाने के लिए। आप अच्छे तरह से धो देना, किचकी नहीं रहा, जितना माटी इसमें कराता सब निकल जाएगा तो किचकेगा नहीं। इसका पकौड़ी बनाएंगे, पालक का पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अंगिरा जी अभी पकौड़ा बनाने जा रही हैं, सान दी हैं। इसमें बेसन और चौरे का आटा और मर्चा मसाला डाल के इसको सान कर तब इसमें छानेंगे। देखिए दोस्तों इतना सारा है भाई, बहुत सारा पकौड़ा निकलेगा जी। कहाँ जा रहे निकलेगा, अब गोल कितना होगा अभी गोल कितना ही होगा। नमक डालेंगे ना, अभी उसमें गर्म करेंगे क्या कढ़ाई में, तेल डालेंगे, तेल डालेगा। और दोस्तों भैया जी का तबीयत खराब है तो यहाँ पे अभी लाई खा रहे हैं, दवा वाला लगाई मम्मी, दवा लगा दे, रेड़ का पत्ता से सेकी है, अब चल रही है कि जो मलहम है ऊपर लगाने। हाँ। और दोस्तों यहाँ दादाजी आ चुके हैं, क्या बोल रही हैं, ये कह रही हैं दादाजी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हाथ गरमाने का ठंडी नहीं लगता है। भाभी जी सबका कमी बताती रहती है नहीं मम्मी, सबका एक्टिंग बताती है ना, तरिया तरिया जी। चुप रहिए दादा जी, बोल लिया चुप रहिए। आपका धुला गया अंगिरा जी? हाँ धुला गया है, एक पानी और धोना है। हाँ देखिए दोस्तों इतना पांच पानी धुलाता है, के पानी चाहिए, पांच पांच पानी। बाकी भाभी जी उधर आग सेक रही है, देखिए आप तो भात गील कर दिए हैं तो उसको हाँ। सही बना रहे हैं भाभी। तो गाइस इधर भैया जी का घाव को सेका जा रहा है गरम पानी से, मम्मी अभी गरम पानी की है, देखिए पूरा चोट लग चुका है। तो भाभी जी अभी शान के बता रही हैं, शान नहीं पा रही हो देखो आप, ऐसे ऐसे शानी आप शान नहीं पा रही हैं। हाँ हम नहीं शान पा रहे, भाभी जी शान दे रही है। भाभी जी शान गई है, हमसे पहले आई है ना। तो दोस्तों हमारा गरम गरम पकौड़ा बन गया, आप लोग आ जाइए खा लीजिए, छान कर बना रहे बहुत टेस्टी है। हम यहाँ पर छान दिए दोस्तों, ये लीजिए यहाँ पर गरम गरम पकौड़ा, आप लोग आकर खा लीजिए, मेरे घर पकौड़ा बहुत अच्छा बना है, अब आप लोग लीजिए टेस्ट कर बताइए। तो दोस्तों पकौड़ा अंगिरा जी रेडी कर दिए, आइए आप लोग खा लीजिए। हाँ ये खा लीजिए, बाबू को दे दीजिए एक, आ गए, टेस्ट बताओ कैसा है, पकड़ो पकड़ो। दोस्तों यहाँ पर देखिए भैया जी के बहुत ज्यादा तबीयत खराब, हल्दी और प्याज और भांग पीस कर मम्मी जी रखी हैं। दोस्तों धूप हो चुका है और ये देखिए मम्मी जी अभी भैया को एकदम लगा रही हैं, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, देखिए कैसे किए हैं, इतना दूर काला हो गया है बहुत ज्यादा है। उठाई बाह धीरे धीरे उठाओ, उठाई उठाओ धीरे धीरे उठाओ, उठाओ धीरे धीरे उठाओ, कैसा कक उठाओ उठाओ उठाओ, उसका दर्द हट जाए, उठाओ 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 धीरे धीरे उठाओ, कैसा उठाओ धीरे धीरे उठाओ 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 उठाओ, नहीं उठ रहा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, दर्द कर रहा दर्द कर रहा पूरा, वो दर्द कर रहा, ये देखिए ना इधर सही है ना, डंखवा है सही बा, है लगातार बहुत ज्यादा खाल हो गई बा, खाल हो गई बा, सही पानी सरक न गई हो, टूट न गई। तो भाई जब मम्मी रोने लगी सब लोग परेशान हो चुके हैं, और भाई भगवान से आप लोग प्रेयर कीजिए ताकि हमारे भैया जल्दी ठीक हो जाए, देख रही हैं मतलब बहुत ज्यादा चोट लग चुका है दोस्तों, ये बोल नहीं पाते हूँ तरीके से, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ दादाजी भी किस तरह बैठे हैं, अंगिरा भी परेशान है, भैया का दुआ करिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भैया बहुत दिक्कत में है। मम्मी देखिए परेशान है, बाबू को बहुत परेशान है, ये बहुत परेशान है, इसको परेशानी हमको सह नहीं जाता है, बहुत हम कष्ट में हम भी हैं, बहुत हम लोग परेशान हैं। तो गाइस बस आप लोग भगवान से प्रेयर कीजिए कि हमारे भैया जल्दी ठीक हो जाएं। आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और हो सकेगा तो अभी हम लोग भैया को अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि भांग बहुत सारे गाँव में जो होता है वो सब चीजें मम्मी मम्मी की है, देख रहे हैं अभी पूरा भांग हरदी उर्दी पोताया है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग प्याज उला सब बोल देते रहिएगा, लाइव में गाइस जो भी होता है कुछ हम आप लोग को दिखाते हैं। नहीं अंगिरा जी, हाँ अंगिरा जी भी काफी परेशान है। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक पे आज सपोर्ट दीजिए, भैया के लिए दुआ करिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए भैया। नमस्ते, अपना नाम जय हिंद।